इंसानियत की बात है, इंसानियत दिखाएंगे तो क्यों पब्लिक मारेगी? ऐसा कभी पब्लिक नहीं समझती है, कुछ पब्लिक नहीं समझती है। अभी तक हुआ नहीं क्या? देख नहीं रहे हो? होता है अभी। जी जी, अभी यहीं पे कहीं हो जाए, पकड़ो ड्राइवर वालों को, भोसड़ी वाले को पकड़ो, वो भाग गया, पकड़ो माताचोद को उसको। पुराने कानून के मुकाबले नए कानून से कोई फायदा होता नहीं नजर आ रहा? उसे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मार देगी, मार देगी, ये बचाने आएंगे। पब्लिक क्यों मार देगी? उस पे भी तो कानून है। क्या कह रहे हैं? पब्लिक मार देगी तो ये नहीं, क्या कह रहे हैं? उस पे भी तो कानून है, पब्लिक मार देगी, ऐसे ही मार देगी। भीड़ मारती है उनके लिए, अगर ये कानून अच्छे से उनके लिए लागू होता है तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता ना, कोई स्वरूप नहीं भीड़ का होता है। अब पब्लिक जैसे आप खड़ी है, यहाँ भीड़ है, अगर एक आदमी पकड़ लो उसके ऊपर तो कानून लागू है, लेकिन भीड़ में कानून लागू है? भीड़ में पत्थर भी चलते थे ना, उनको नहीं होता था? बस जो पकड़ा एक ने मार दिया, चार और भाई मारने वाले तैयार खड़े वहाँ से, का फिर क्या करेगा तू बता चल। तस्वीरें आपके सामने आनंद विहार ISBT की मौजूद है। ये बसें जो है इस समय खाली है, पैसेंजर यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कंडक्टर वेट कर रहे हैं कि बसें चलाने के लिए कोई आ जाए, लेकिन बस चलाने के लिए एक चालक इस समय आनंद विहार ISBT पे मौजूद नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष सिंह तोमर और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डिगी। अभी नए जब ये कानून लागू हुए थे, जो क्रिमिनल कानून लागू करने के लिए बिल पारित करा था गृह मंत्री अमित शाह ने, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अंग्रेजों के हुकूमत के दौरान बने जो कानून थे और जो नाम थे IPC इंडियन पिनल कोड जो था, उसका नाम बदलकर कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता, जिसमें बहुत सारे अलग अलग जो अपराध थे उनको उनके लिए प्रावधान निकाले गए, उन प्रावधानों को लागू करने के लिए वादे भी करे गए। लेकिन एक प्रावधान था हिट एंड रन केस को लेकर, जिसकी वजह से नाराजगी आक्रोश आप लोगों ने कल बहुत सारी जगह देखा होगा, चाहे ट्विटर हो, सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म हो, अखबार हो, TV न्यूज चैनल हो, प्राइम टाइम डिबेट हो, हर जगह ये ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवरों के ये जो चक्का जाम करा था, जो उन्होंने अपने प्रदर्शन करे थे, जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में हड़ताल किया 2 दिन का, 1 जनवरी को शुरू किया, 2 जनवरी तक किया, वो सारा ये जो हड़ताल था उसका कारण ही यही था हिट एंड रन में जो ये केस है उसके प्रावधानों में बनने वाले नए कानून। पहले ये कानून था कि 2 साल तक की जेल होगी और अगर इंटेंशनली मारने की बात आती है तो 2 साल से ज्यादा की भी जेल हो सकती है। लेकिन अब यहां पे जो हालात है थोड़े इसलिए बिगड़ते नजर आए, जब हिट एंड रन के लिए वो 2 साल का जो लिमिटेशन थी उसको बढ़ा के कर दिया गया 10 साल तक की और 7 लाख रुपए का जुर्माना अलग। ऐसे में यही एक सवाल मन में उठता है बहुत सारे, चलिए लागू अगर ये कानून होते हैं इसके क्या फायदे होंगे, क्या लाभदायक होगा, वो दूर की बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, उसको लेकर क्या विचार है, उसको लेकर क्या इनके मन में प्रतिक्रिया, जानने के लिए आनंद विहार ISBT पे मौजूद है। पैसेंजर भी यहाँ मौजूद है, कंडक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, ड्राइवर भी मौजूद है और भी बहुत सारे चालक मौजूद हैं। जानने की उनसे कोशिश करेंगे कि ये जो नए प्रावधान आए हैं उसको लेकर कितनी सच्चाई और इसको लेकर इनके मन में क्या प्रतिक्रिया है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह है। अच्छा, चंद्रभूषण जी यही के रहने वाले हैं, कहीं दूसरे राज्य के रहने वाले हैं? हरदोई के। हरदोई के। अच्छा, अभी ये ISBT पे आया, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि बहुत समय से इधर मौजूद है, रोडवेज की बसें नहीं आ रही और कारण बताया जा रहा है जो हड़ताल कर रहे हैं। सुने ये हिट एंड रन का जो नया कानून आया है उसको लेकर ये हड़ताल जायज़ लग रही है आपको? सर, हड़ताल तो सही है। सही है, क्यों कारण लग रहा है कि सही है? सर, ये ड्राइवरों के लिए सही है, 7 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा। जी जी, 10 साल की सजा होगी जी। क्या बच्चे खाएंगे, क्या औरत खाएगी, क्या हम खाएंगे, किसी के पास खेती है, किसी के पास नहीं है, कोई धंधा नहीं है, खाली गाड़ी चलाने के अलावा और कोई धंधा है नहीं, और कर भी नहीं कुछ सकता है कोई। जी जी, तो बस यही है। तो ये कानून ही इसलिए लाया गया है क्योंकि कभी क्या होता है, अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो छोड़ के ना भाग जाए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो सड़क पे मृत हो जाते हैं। पब्लिक मार डालेगी किसको? ड्राइवर को, जो लेके जाएगा उसको उठाने के लिए जाएगा, अस्पताल ले जाएगा या थाने ले जाएगा या चौकी ले जाएगा, पब्लिक मार देगी उसको। ये तो इंसानियत की बात है, इंसानियत दिखाएंगे तो क्यों पब्लिक मारेगी? ऐसा कभी पब्लिक नहीं समझती है, कुछ पब्लिक नहीं समझती है। अभी तक हुआ नहीं क्या? देख नहीं रहे हो? होता है अभी। जी जी, अभी यहीं पे कहीं हो जाए, पकड़ो ड्राइवर वालों को, भोसड़ी वाले को पकड़ो, वो भाग गया, पकड़ो माताचोद को उसको। अच्छा, तो फिर पकड़ के उसको मारा जाता है, किस लिए गाड़ी चलाएगा, कोई नहीं चलाएगा। अभी तो सरकार ने जैसे कहा है कि अभी रोक लगाते थे इस कानून पे, तो क्या लगता है आगे अब क्या होगा, कुछ उम्मीद है या ये कानून लागू होगा तो कुछ फायदा इससे पब्लिक को भी होगा? अब देखो वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, जो लेंगे तो गाड़ी चलाएगा आदमी, नहीं लेगा तो कोई नहीं चलाएगा, अपने अपने घर पे रहेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। मतलब इन कानूनों से खुश नहीं है आप? नहीं खुश है। खुश नहीं है, अच्छा। आपका क्या नाम हुआ अंकल जी? मेरा नाम शब्बीर अहमद। शब्बीर जी, क्या काम करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं। पेंट का करते हैं जी। ये जो हिट एंड रन का पूरी ये मामला चल रहा है, जैसे आज भी इधर ISBT आए हैं, ड्राइवर कोई मौजूद नहीं है, क्या लग रहा है ये हड़ताल सही है, सही कारणों के लिए करा जा रहा है? सही तो नहीं है। अब हमें जाना है दूसरी जगह, बस मिल रही दूसरी जगह जाना तो है,
अब यहाँ से चेंज करेंगे फिर वहाँ मिल ही नहीं रही है, दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा, जैसे कानून मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊं अंकल जी, पहले कानून ये था कि अगर मार के भाग जाते हैं, हिट एंड रन होता है, तो 2 साल की जेल होगी, 2 साल तक की जेल होगी। अब बढ़ा दिया उसको, कहा जा रहा है 7 लाख का पेनल्टी भरे और फिर 10 साल तक की भी जेल हो सकती है। क्या लग रहा है, ये लाभदायक है, इससे फ़ायदा होगा या ये ज़बरदस्ती की एक ऐसी चीज़ है? नुकसान है। किसका? ड्राइवर का। किस तरीके से होगा? अरे हर तरीके से नुकसान ही नुकसान है। अब 10 साल की सजा कहाँ से काटेगा वो, फिर बच्चे क्या खाएंगे? 10 और 7 लाख रुपए कहाँ से देगा वो? जी 10 साल के मान लो 10,000 तो खान में कहाँ से देगा, कितने दिन कमाएगा? अच्छा, नाखुश है, मतलब कानून बेकार है, खराब है, कानून खराब है। क्या कह रहे हैं अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? अरे बताओ राजू, ये जैसे ड्राइवर 1 लाख जैसे 10 साल की सजा होगी जी, तो उसके बाद 1 लाख रुपया महीने में बचाना, साल में नहीं बचा रहे हैं, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी ड्राइवर 1 लाख रुपया भी जोड़ के घर के अंदर कोई नहीं रख पाएगा, तो वो कहाँ से अपने बाल बच्चे देंगे कि हाँ 7 लाख रुपया वहाँ जनता के लिए वहाँ देंगे? दे पाएंगे नहीं है, तो इससे ठीक क्या गाड़ी चलाने से, क्या चलाने से? जनता जब पब्लिक परेशान होगी तो खुद वो करेगी, तो ड्राइवर के लिए वहाँ से फिर छूट होगा, वही जो पहले था वही फिर आ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इससे फायदा नहीं होगा क्या? अगर ये नया कानून पुराने कानून के मुकाबले नए कानून से कोई फायदा होता नहीं नजर आ रहा? उससे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। क्यों, क्या फायदा दिख रहा है? हमको जाना जहाँ भी है, नहीं मिल रही है गाड़ी, आप 2 दिन से यहाँ बैठे हुए, जाना है हमको यूपी बैठे दिल्ली में है, चाहते घर पे पहुंच सकते थे जी जी। अब जब ड्राइवर अपने रिक्स पे चाहे तो गाड़ी ले जाए, ना चाहे तो खड़ी रखेगा यहीं पे, गवर्नमेंट तो थोड़ी हमको आएगी पहुंचाने के लिए कि चलो वहाँ पे, ये बात है भाई साहब। अच्छा, हाँ। अच्छा इधर आके बताइए, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ड्राइवर पैसा नहीं लेता है? पैसा लेता है। फिर किस चीज का ले रहा है? किस चीज का ले रहा है? पैसा ले रहा है ना, पैसा ले रहा है ना, सरकार दे रही है ना पैसा, दे रहा है ना मुआवजा, दे रहा है ना ड्राइवर को भी, दे रहा है जनता को भी, दे रहा है सबको, दे रहा है ना। नहीं देखो, जानते हो तो बताओ। मार के छोड़ जाना तब कानून है, लेके जाना तो उसपे तो वही कानून है। मार देगी मार देगी, ये बचाने आएंगे। पब्लिक क्यों मार देगी, उसपे भी तो कानून है। पब्लिक मार देगी तो ये नहीं, क्या कह रहे हैं अंकल? उसपे भी तो कानून है, पब्लिक मार देगी ऐसे ही मार देगी तो कानून है, क्यों नहीं है? एक्सीडेंट होगा ना तो उसके बाद, तो वही ना बोल रहा हूँ, मैं भी ड्राइवर ही हूँ। क्या नाम हुआ? अच्छा आप ड्राइवर हैं? हाँ मैं भी ड्राइवर ही हूँ ना, 4-व्हीलर का मैं भी ड्राइवर हूँ। अच्छा। यूपी से बिलिंग करता हूँ। तो इन कानूनों से आपकी क्या प्रतिक्रिया? सही है, बिल्कुल अच्छा है ना। अच्छा। मार के छोड़ के जाना फिर उसके बाद में, ये सिर्फ 2 ही आदमी करते थे, बस वाला ट्रक वाला, दूसरा आदमी नहीं करता है। हाँ जी। तीसरा आदमी नहीं करता है, कोई भी बिलंग करता है। मैं 4-व्हीलर का ड्राइवर हूँ, मुझे पता है किस चीज पे किस चीज से नहीं होता है। सिर्फ 2 ही आदमी ये काम करते हैं, इन्हीं को जनता वो करती है, बात करते हैं। तो फिर ये वही कह रहे हैं कि मुआवजा, ये पेनल्टी बढ़ा दी, इतनी जेल, इतने सालों की जेल बढ़ा दी। सही, तो सही तो है, सही है ये, क्यों नहीं सही? अच्छा। एक ट्रक ड्राइवर होता है अपना, अगर आराम से काम करता है ना, वो खुद ही अपना खरीद लेता है। बस ड्राइवर होता है खुद ही अपना ले लेता है। नहीं सही है, बताना आप, बताओ ना कौन चीज में गलत है, आप बताओ। 10 लाख रुपए ड्राइवर नहीं करेगा? कोई ड्राइवर जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता है, धोखे से हो सकती है, कोई रेक समय है हो सकती है, लेकिन कोई भी चालक जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता है। बाई चांस ना देख पाए, अचानक रैली अगर कोई सामने, लेकिन जहाँ तक हर संभव प्रयास करते हो बचाने का। भाई पैसेंजर गाड़ी है, सपोज मान लीजिए 50 सवारी लदी हुई है, एक यात्री अगर सामने आ रहा है, अगर 50 की वजह से एक समस्या उत्पन्न हो रही है तो 50 को बचाएगा वो। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार। अच्छा, आप भी यही बस का कुछ काम है आपका? हम कंडक्टर रोडवेज हैं। कंडक्टर है। अच्छा एक बात बताइए, हर बार यही क्यों कहा जाता है कि ये जो रोडवेज की बस हो गई या फिर ट्रक हो गए, ये सब रात में काबू के बाहर इतना चलाते हैं कि आज हिट एंड रन के मामले इतने बढ़ गए और ये कानून लाने की मजबूरी आ गई है सर? अब ये इतने तो नहीं होना चाहिए मेरी समझ से, इतनी तेजी नहीं, क्योंकि अब एक्सप्रेस बन गए हैं, अच्छी स्पीड गाड़ियां हैं, बढ़ती चलती है, तेज चलती है, जाए ऐसे। अच्छा पहले कानून था कि 2 साल तक की जेल, अब कर दिया 10 साल तक की जेल, अगर आप बचा लेंगे तब तो शायद आपको माफ़ी भी मिल जाए, बचाएंगे तो। दुर्घटना स्थल पे अगर पब्लिक के हवाले डर पड़ जाएगा तो क्या बच जाएगा वो? बताइए, बताइए क्या लगता है? जवाब दे रहा हूँ, अगर दुर्घटना स्थल पर चालक पब्लिक के हवाले पड़ जाएगा तो क्या बचेगा? पर कानून तो उसके लिए भी बना है, क्या पता वो कानून उन पे भी लागू हो जाए। और कोई कानून नहीं है अभी, अभी आया तो है मॉब लिंचिंग के लिए नए कानून जो आए हैं भारत नया संहिता, वो अच्छी बात है जी जी। लेकिन अब ये जो कानून लाए गए कुछ दिन के क्लोज कर दिए गए हैं, इसका बाद क्या निकलता है जी? कानून पता है क्या? इनको एक ही कानून पता है कि सिर्फ ये खराब है,
वो दूसरा कानून नहीं पता है, दूसरा कानून इतने 4-5 कानून लाए गए वो नहीं पता है, सिर्फ एक कानून पता है कि हाँ ये ड्राइवर लाइन वाला सिस्टम खराब है। अरे सारे चीज़ें देखो ना, एक ही चीज़ देखने से क्या फ़ायदा है? एक चीज़ हम नहीं देख रहे, आप सारे कानून देखो। क्यों हम भाई, जैसे हम जिस उसमें नौकरी कर रहे हैं भाई, वहाँ देख रहे हैं ना हम भाई, हम चालक परचालक में जो हैं, हम रोड पे चलते हैं भाई, अगर समस्या की तो हम भी तो उसमें जिम्मेदार होंगे। अगर कोई दुर्घटना होती है, मैं चालक से होती है, तो भी जिम्मेदार होंगे कि नहीं होंगे? जंगल जी एक बात बताइए, ये चीज़ मेरा आपसे भी सवाल रहेगा, जब ये जो हिट एंड रन के लिए जो प्रावधान आए हैं, जो नए कानून बने हैं, ये तो सब पे लागू हैं, चाहे गाड़ी चलाने वाला हो, टैक्सी चलाने वाला हो, ट्रक ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो, तो सिर्फ हाँ, तो ट्रक और बस ड्राइवर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं खास? ऑटो वाले भी किया ना कानपुर में? हाँ जी, ऑटो वाले प्रदर्शन किया है, उन्होंने भी किया। अच्छा, नाराजगी है क्या उनके मन में? पता नहीं, चालक जाने। अच्छा, मैं तो प्रचालक हूँ। अच्छा, जैसे आपने बोला कि अगर हम बचाते हैं तो भीड़ मारेगी, सीधी सी बात है, भीड़ अगर उन भीड़ को मारने के लिए, जो भीड़ मारती है उनके लिए अगर ये कानून अच्छे से उनके लिए लागू होता है, तो भीड़ का कोई रूप नहीं होता ना, कोई स्वरूप नहीं भीड़ का होता है। अपनी जैसे आप खड़ी है, यहाँ पे भीड़ है, अगर भी एक आदमी पकड़ोगे उसके ऊपर तो कानून लागू है, लेकिन भीड़ पर कानून लागू है भाई? सब तभी तो जाएंगे तुरंत, भीड़ है, एक मारेगा तो वही सब दौड़ेंगे भाई। सिंपल सी बात है, भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई मुंह नहीं, स्वरूप नहीं होता। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताइए? भीड़ का कोई मुंह नहीं होता, स्वरूप नहीं होता मुंह का, भीड़ का। ये मारने वाला कौन था, यू था या यू था, किसे किसे पिछाड़ा का, वो तो नीचे पड़ा है, बेहोश हो गया, लगती दो लगती लौट जगह धरती में, मारने वाला कौन कौन देख रहा, आप बताओ। पत्थर भी चलते थे ना भीड़ में, भीड़ में पत्थर भी चलते थे ना, उनको नहीं होता था? अब तो बस लात मुंह चला है, बस जो पकड़ा एक ने मार दिया, चार और भाई मारने वाले तैयार खड़े वहाँ से का, फिर क्या करेगा तू बता? चल पहले चलते थे पत्थर भी, अब नहीं पत्थर चलते भाई, अब जैसे पब्लिक ऐसे दुर्घटना स्थल पे हुई, अब पब्लिक इकट्ठा हो गई, अब चालक अगर उसको अटेंड करेगा तो पब्लिक कहेगी ये चालक है, पब्लिक वाले उसको कूटेगी, कूटेगी नहीं कूटेगी? फिर अब ड्राइवर वो जो कूटेगा वो क्या जल्दी असल लेके पहुँचेगा भाई? पहले अगर वो सेफ होगा तो भाई तुरंत लेके पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सौ बात की एक बात ये है कि अगर ये कानून लागू भी होता है, चलिए हम एक समय पे मान लेते हैं कि इस कानून से खुश हैं, ये कानून से आप भी खुश हैं, जो कि नाखुश लोग यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं वो भी खुश हैं, एक सवाल मन में यही उठता है कि जो मॉब लिंचिंग वाली बात है, जो भीड़ पकड़ के मारने वाली जो यहाँ पे खास तौर पर लोगों ने बताई है, अगर उसके लिए भी एक कानून बनाए और ज़मीनी स्तर पर वो कानून पूर्ण तरीके से लागू होता है, तो शायद से इस कानून के लागू होने का कोई फ़ायदा भी है, इस प्रावधान के लागू होने का कोई फ़ायदा भी है। जो एक्सीडेंट हो गया उसको कौन उठान दे रहा? पब्लिक पहले ही पकड़ कर धोता है उसे, वो उसे ही उठा कर ले जाना पड़ेगा पब्लिक को। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो एक अहम मुद्दा उठाया, चलिए हम उतर के गाड़ी रोक के मदद कर देते हैं दुर्घटनाग्रस्त में, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है उसकी, चलिए अगर हम उनकी मदद भी करते हैं, भीड़ की गारंटी कौन लेगा और भीड़ इतना मौका भी देगी? एक सवाल आपके लिए अंत में छोड़ के जा रहा हूं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा सहयोगी आनंद के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, आनंद विहार, ISBT, दिल्ली, न्यूज़ डिगी।